बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग के जो है वो आज दो से तीन रूल्स जो हैं वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो रूल लिखते हैं, उस रूल को फिर अप्लाई करते हैं ताकि प्रेसी राइटिंग जो है वो आसान से आसान हो जाए। प्रेसी राइटिंग जो है फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है मुख्तसर करना, इख्तसार करना। तो अब हम तलहीस उर्दू में कहते हैं। पहला रूल जो है वो यहाँ पर लिखने लगा हूँ फिर उसको फॉलो करने लगे हैं जी। पहला रूल है जो भी हमें पैराग्राफ दिया गया है उसकी कम से कम तीन मर्तबा रीडिंग करनी है। पैराग्राफ की कम से कम तीन मर्तबा रीडिंग करनी है या फिर पढ़ना है। रीडिंग करनी है को तीन मर्तबा पढ़ना है। अब हम देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी। देयर वॉज अ बॉय हु वॉज ड्राइविंग द कार विद अ रैपिड पेस ऑन अ highly rushed and crowded road. He ran over an old man who was teaching the children in his area while crossing the road. अब तीन मर्तबा जो है वो हमने इसकी रीडिंग करनी है। इसी के साथ ही हम अगला रूल जो है वो स्टडी करते हैं। तो वो रूल जो है ये पहले रूल के साथ मिलके कंप्लीट करेगा। दूसरा रूल क्या है जी? पहला हमारा रूल था कि जो भी आपको पैसेज दिया गया है, जो भी पैराग्राफ दिया गया है, उसको तीन मर्तबा हमने रीडिंग करनी है। अब दूसरा रूल ये है जो कि पहले रूल से ही रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको भी अब साथ ही उसके फॉलो करेंगे। दूसरा रूल ये है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को अंडरलाइन करें। जैसे ही हमने तीन दफ़ा रीडिंग करनी है तो रीडिंग के साथ साथ ही नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को अंडरलाइन करते जाना है। देयर वॉज अ बॉय हु वॉज ड्राइविंग द कार। अब जो पहला है फिकरा, इसमें जो नाउन फ्रेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? बॉय। अब ये बॉय को अंडरलाइन किया। फिर इसके बाद वर्ब क्या चल रहा है? ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग द कार। फिर यह प्रोसेस हमने जो तीन मर्तबा रीडिंग करनी है उसी के दौरान ही कंप्लीट कर लेना है, विद अ रैपिड पेस ऑन अ हाईली रश्ड एंड क्राउडेड रोड। अब इसमें एक तो ये है रश्ड और क्राउडेड रोड, दूसरा है रैपिड पेस। अब अगला फिक्रा ही, अब ही जो है वो वही लड़का है। वर्ब इसके अंदर रैन ओवर, रैन ओवर जिसका मतलब है कुचल देना। अब असल चीज आ गई हमारे लिए नाउन फ्रेज ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन जो है वो हकीकत में कौन है? हु वॉज टीचिंग द चिल्ड्रन। तो यहां पे वर्ब आया टीचिंग द चिल्ड्रन इन हिज एरिया वाइल के दौरान क्रॉसिंग द रोड। अब ये जो वर्ब फ्रेज है क्रॉसिंग द रोड, अब जब हमने तीन मर्तबा इसको स्टडी करना है तो स्टडी करने के दौरान हमने जो भी नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट, उन रेलिवेंट को हमने अंडरलाइन करना है ताकि इनके ज़रिए हम आगे प्रेसी को आसान कर सकें या फिर प्रेसी के अंदर ये वाले पॉइंट हम शामिल कर सकें। तीसरा रूल अब हम स्टडी करने लगे हैं। और तीसरा रूल क्या है? एक जैसे अल्फाज या ख्याल, आइडियाज़ जो हैं, जो ख्याल है वो भी
दो तीन फिक्रों में हो सकता है, लेकिन वो आइडिया जो है वो सिर्फ एक ही होगा। तो अगर वो एक ही होगा तो हमने उसको एक ही मर्तबा लिखना है, दो तीन मर्तबा नहीं लिखना। एक जैसे अल्फाज या ख्याल तलहीस में सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये एक वर्ड है रश्ड और एक है क्राउडेड। रैपिड पेस के साथ चल रहा था वो ऑन अ हाईली रश्ड एंड क्राउडेड रोड। तो अब ये रोड है तो ये कौन सी रोड है? ये वो वाली रोड है जिसके ऊपर रश लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रश है, ट्रैफिक है, और दूसरी चीज़ क्या? हजूम है। तो अब क्राउड और रश में से हम एक लफ्ज़ लगाएंगे, और अच्छी प्रेसी ये होगी कि हम इन दोनों का कोई सिनोनिमस, कोई अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करें जो इनकी जगह आ जाए, जो कि हमारी अपनी प्रेसी हो। अगला रूल है जी हमारा चौथा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लफ्ज जो कि मुतबादल होता है पूरे के पूरे फिक्रे का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रेसी राइटिंग के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही एक अहम टूल होता है, बहुत ही एक अहम डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम प्रेसी जो है वो बना सकते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसी फिक्रे में हम देखते हैं, ओल्ड मैन Who was teaching the children in his area? अब यहाँ से ले लें और यहाँ तक चलें, Old man who was teaching the children। तो इसके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा और वो क्या होगा? Old teacher। अब हकीकत में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये टीचर। तो जब हम टीचर लगाएंगे तो बहुत से अल्फाज जो हैं वो हज़फ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उनकी जगह पर सिर्फ एक लफ्ज़ आ जाएगा टीचर। अगर आपकी करने लगे हैं प्रेसी, प्रेसी में जो है जब सबसे पहले हम देखते हैं फिक्रा एक्टिव हो या पैसिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है बॉय, जो कि हकीकत में क्या कर रहा है? कुचल रहा है ओल्ड मैन को। तो अब हम अगर ले लेते हैं एस वी ओ जनरल स्ट्रक्चर। अब ये जनरल स्ट्रक्चर में क्या हम करते हैं, ये पूरे का पूरा एक पैराग्राफ है, इसमें से हम लेते हैं बॉय, सब्जेक्ट लेते हैं अ बॉय, अब कौन सा बॉय है? हु वॉज ड्राइविंग द कार विद अ रैपिड पेस ऑन अ हाईली रश्ड एंड क्राउडेड रोड, रैन ओवर एन ओल्ड मैन। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्ब है वो कौन सा है जो काम हो रहा है? रैन ओवर। अब अ बॉय रैन ओवर, रैन ओवर कुचल दिया। अब किसको? अपना ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, अब ये आया ओल्ड मैन और इसके साथ लगा हु वॉज टीचिंग द चिल्ड्रन। अब पहला स्टेप तो ये हो गया कि ये हमारी बेस है। अब हमने देखना है कि एक प्रेसी जो है जितने भी अल्फाज हों आप जो उसकी प्रेसी बनाएंगे वो उसका भी प्रेसी बनाएं आप वो ओरिजिनल पैसेज का एक बटा तीन, एक तिहाई। फॉर एग्जांपल अगर अल्फाज हैं 100 तो उसका एक तिहाई बना 33, 33 अशारिया कुछ, तो आपके अल्फाज जो हैं वो 33 के करीब होने चाहिए। अब ये हमने मेन जिस्ट तो ले लिया है, असल काम तो ले लिया है, अब हमारी प्रेसी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटी है। अब हमने थोड़ा सा इसको
एलंगेट करना है, थोड़ा सा इसको लेंथी बनाना है। अब लेंथी कैसे बनाया जा सकता है? पहले तो हम लेते हैं बॉय को। अब ये बॉय कौन सा है? वो लड़का जो कि ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है। तो फिर अब ड्राइविंग कर रहा तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव वर्ड लेते हैं, ड्राइवर। एक तो ये ले सकते हैं, एडजेक्टिव बनाएंगे और वो बनेगा अ ड्राइविंग बॉय। तो ये उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब बॉय से हमने बनाया अ ड्राइविंग बॉय, एक गाड़ी चलाता हुआ लड़का, या फिर बन सकता है अ ड्राइवर। अब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वो लड़का जो है वो कार को बहुत रैपिड पेस के साथ चला रहा था। अब इसको हम तेज़ चलाने की बात को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो उसका ताल्लुक है इसके साथ। या तो ये हो सकता है अ ड्राइविंग बॉय हु वाज अ रैश ड्राइवर, एक तो ये भी बन सकता है। या फिर सिंपली इस सारे की सारी जगह पर हम लगा लेंगे अ रैश ड्राइवर। अब रैश कहते हैं जल्दबाज, तेजी के साथ काम करने वाला। अ रैश ड्राइवर कौन सी जगह पर? एक ओवरक्राउडेड जगह पर। अ रैश ड्राइवर, अब कुचलने का हम उसको कह सकते हैं क्रम्पल्ड। क्रश्ड, अ रैश ड्राइवर क्रम्पल्ड, क्रश्ड, रैन ओवर, कुछ भी कर सकते हैं। अ रैश ड्राइवर क्रम्पल्ड, क्रश्ड। ओल्ड मैन को अब हम लिखेंगे ओल्ड टीचर, ओल्ड टीचर। अब ये जो हमने जिक्र करना था क्राउड का, रोड का, तो ये हम ले जाएंगे लास्ट पे। अ रैश ड्राइवर क्रम्पल्ड ओल्ड टीचर, अब ऑन अ बिजी रोड, ऑन अ बिजी रोड क्राउडेड भी कह सकते हैं, रश्ड भी कह सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं या फिर अपना लफ्ज लगा लें। ऑन अ बिजी रोड, अब एक हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिस है और वो क्या है? वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो अब वाइल क्रॉसिंग द रोड को हम यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं। तो हम फिर इसको बनाएंगे अ रैश ड्राइवर क्रश्ड एन ओल्ड टीचर। अब सेम वाइल क्रॉसिंग द रोड लगा सकते हैं या फिर सिंपली वाइल क्रॉसिंग, वाइल क्रॉसिंग। अब फिक्रा क्या बना? अ रैश ड्राइवर क्रश्ड एन ओल्ड टीचर वाइल क्रॉसिंग ऑन अ बिजी रोड। अब हम गिनेंगे अपने अल्फाज और फिर अपनी मौजूदा प्रेसी, तो उसमें हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारी प्रेसी क्या ठीक बनी है। अच्छा जी, पैराग्राफ में जो अल्फाज गिनने का तरीका कार है वो हमने ये नहीं करना कि पेपर में एक एक लफ्ज़ जो है वो गिनने बैठ जाना। हमने सिंपली जो है एक लाइन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है बाकी सारी लाइनों के साथ। अब वो 7 हैं तो 1 2 3 4 5 5 लाइनें जो हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करें 5 से और फिर वो तकरीबन बन जाएगी उन्हीं अल्फाज के करीब। अब 7 5 बार 35 है और आगे जो है वो देख लें आप, 3 4 लफ्ज़ और होंगे,
तो ये तकरीबन होंगे 40 के करीब। तो अब उस 40 को आपने बनाना है अपनी प्रेसी में, जो आपने अपनी प्रेसी बनानी है उसके अल्फाज गिनने हैं, जो पैराग्राफ है उसके अल्फाज पूरे के पूरे ना गिने, एक एक करके ना गिने, लेकिन जो अपनी प्रेसी बनानी है उसके अल्फाज ज़रूर गिने, 1, 2, 3, 4, अब इनमें से एक लगेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 अल्फाज और वो तकरीबन है 40 के करीब। तो वो 40 के करीब हैं। अब 40 की अगर हम बनाएं प्रेसी तो वो तकरीबन 12, 13, 14 के करीब होगी। ये थे जी हमारे पहले 2-3 रूल्स हैं प्रेसी राइटिंग के। नेक्स्ट जी अगला हमारा रूल है प्रेसी राइटिंग के लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हम पहले एडवर्ब को डिफ़ाइन करते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफ़ाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई अप्लाई हो सकता है या नहीं। एडवर्ब एडवर्ब जो है वो लफ्ज़ जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या फिर एक और एडवर्ब के मफहूम में इजाफा करें। अच्छा जी, वो लफ्ज़ जो किसी वर्ब के मफहूम में इजाफा करे, अली वॉक्स, अली चलता है, अली सैर करता है। अब यहाँ तक तो इतना हो गया, अगर हम कहें अली वॉक्स स्लोली तो अब इस वॉक के मफहूम में इजाफा हुआ, तो इस वर्ब के मफहूम में इसने इजाफा किया तो ये बन गया एडवर्ब। अब उस इसके बाद एडजेक्टिव, ही इज अ क्लेवर बॉय। बॉय जो है वो नाउन है, जो नाउन के मफहूम में इजाफा करता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव के मफहूम में इजाफा करे वो होता है एडवर्ब। ही इज अ क्लेवर बॉय की जगह पे अगर हम जब लिखते हैं ही इज वेरी क्लेवर बॉय, तो वेरी ने इस एडजेक्टिव के मफहूम में इजाफा किया तो ये वेरी जो है वो हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट जो है जी तीसरा, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मफहूम में इजाफा करता है। एक लफ्ज़ होता है जो कि एडवर्ब के मफहूम में इजाफा करता है वो भी एडवर्ब होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कर चुके हैं जी पहले ही एक एडवर्ब स्लोली, अब जब हमने पहले किया अली वॉक्स, वॉक्स के बाद हमने किया अली वॉक्स स्लोली, तो इस स्लोली ने इस वर्ब के मफहूम में इजाफा किया तो ये बन गया एडवर्ब। अब एक लफ्ज़ ऐसा लगेगा जो इसके मफहूम में भी इजाफा करेगा, अली वॉक्स टू स्लोली, तो जो टू है वो बी एडवर्ब है क्योंकि ये लफ्ज़ इस एडवर्ब के मफहूम में इजाफा कर रहा है। अब आ जाते हैं जी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर वो वाला एडवर्ब होता है जो कि जवाब देता है कैसे का, कैसे। अब हाउ, अब यही फिक्रा, अली वॉक्स अली चलता है, अली कैसे चलता है स्लोली, तो ये एडवर्ब तो है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरीके से हम अगर टाइम फ्रेम लेते हैं, ही वॉक्स डेली, तो जब हम डेली बोलेंगे तो फिर वो बनेगा एडवर्ब ऑफ टाइम डेली।
अब यहाँ पे जो है वो एडवर्ब की किस्में बयान करना मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्कस करना मकसद था, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो एडवर्ब के चैप्टर में हम पूरी किस्में जो हैं वो उसकी डिफाइन करेंगे और उनकी एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्कस करने लगे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान के लिए हम सिंपली जो है वो एक रूल फार्मूला बना लेते हैं कि ये ज़्यादातर जो है वो एल वाई ली लेता है, ज़्यादातर, हर दफ़ा नहीं। अभी एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ साथ ही हम एक और रूल जो है वो साथ ही इसके ले लेते हैं। फिक्रा है जी, हमारा रूल है जी, तमहीदी फिक्रे तलहीस से हज़फ कर देते हैं। जो भी फिक्रा तमहीद बांध रहा है किसी भी चीज़ के मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है या हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको भी प्रेसी के अंदर काट लेंगे। जैसा कि अब आते हैं जी, एज़ एवरीबडी नोज दैट डबल वन टू डबल वन डबल टू कम्स एट द स्पॉट विद नो टाइम एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अब एन पी और वी पी को हम पहले अंडरलाइन करते हैं। Everybody knows double one double two comes at within no time in the blink of an eye. अब इसमें हमने एक बात की थी कि जो एक जैसे आइडियाज हैं वो सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करने हैं, वो एक दफा ही इस्तेमाल करने हैं। अब आइडिया क्या है, विद इन नो टाइम का क्या मतलब है कि बहुत जल्द। अब इन द ब्लिंक ऑफ आई, पलक झपकने में, इसका भी मतलब सेम हुआ। तो अब हम दोनों में से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करेंगे। अब विद इन नो टाइम ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है, इन द ब्लिंक ऑफ आई ऑफ एन आई ये तीन और तीन छः अल्फाज पर मुश्तमिल है। अगर हम इसकी जगह पर एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एक लफ्ज़ आ जाएगा। अब वो क्या, ये जल्दी को ज़ाहिर कर रहा है, जल्दी को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसके लिए हम एक लफ्ज़ लगाएंगे क्विकली। अब ये एक तमहीदी फिक्रा है, ये अभी हमें डबल वन डबल टू के मतलब बता रहा है, ये पैराग्राफ के अंदर मेन चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसका जो एसेंस है कि जल्दी वाला, वो लेंगे और वो लेंगे इस एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ। बाकी जो असल चीज़ है, सो इट रीच्ड एट द एक्सीडेंट स्पॉट सून, अब इसकी हम प्रेसी करने लगे हैं। और सबसे अहम हमारे पास क्या है, ये एमरजेंसी के लिए जो हमारे पास डबल वन डबल टू की सहूलत मौजूद है। अब डबल वन डबल टू रीच्ड एट द स्पॉट क्विकली, जैसे ही ड्राइवर ने बूढ़े को कुचला तो डबल वन डबल टू रीच्ड एट द स्पॉट क्विकली। अब हमने क्या किया है कि ये जो तमहीदी फिक्रा है इसको बिल्कुल भी नहीं लिया, और फिर क्या किया है कि उसमें से जो एसेंस है, जो चार लफ्ज़ों पे, जो छः लफ्ज़ों पे डिपेंड कर रहा था, हमने सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब के, एडवर्ब ऑफ मैनर के इस्तेमाल के साथ ही हमने उसको क्लियर कर लिया है। तो असल काम क्या था, वर्ब था पहुंचना, एक्सीडेंट स्पॉट तो वहाँ पे एट द स्पॉट, तो सारे का सारा मीनिंग जो है वो हमने अब यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, तलहीस के अंदर, हमने डबल वन डबल टू की खसूसियात को बयान नहीं करना, हमने उसका जो असल काम है वो यहाँ पे बयान किया है। तमहीदी फिक्रे को तलहीज से हज़फ कर दिया है, ये तमहीद बांध रहा था डबल वन डबल टू की, हमने उसमें से सिर्फ डबल वन डबल टू लिया, ठीक है,
हम अपना सब्जेक्ट लिया और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया और मेन वर्ब लिया कि वो वक्त पर पहुंचला। पॉइंट है जी हमारा, दो तीन फिक्रों का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक ही हो तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आते हैं जी कि डबल वन डबल टू जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, अब वो पहुँची है, उसको हमने बनाया जी कि डबल वन डबल टू रीच्ड, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर अगले फिक्रे में देखते हैं, अगले फिक्रे में भी वही सब्जेक्ट है, इट रीच्ड एट एक्सीडेंट स्पॉट सून, वही है। फिर द मेंबर्स ऑफ एमरजेंसी हेल्प स्क्वाड, द मेंबर्स ऑफ एमरजेंसी हेल्प स्क्वाड लिफ्टेड, उठाया द इंजर्ड ओल्ड मैन, जख्मी बूढ़े आदमी को, तो इसका भी सब्जेक्ट जो है वो सारे का सारा यही हुआ। अब लिफ्टेड द इंजर्ड ओल्ड मैन एंड प्रोवाइडेड हिम, अब ये वर्ब है तो इसका भी सब्जेक्ट जो है वही हुआ, प्रोवाइडेड हिम फर्स्ट एड एट द स्पॉट, और उसी मौका पर फर्स्ट एड भी मुहैया की। बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी नो सीरियस डैमेज डन, तो अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है, डबल वन डबल टू रीच्ड एट द स्पॉट क्विकली एंड कंजंक्शन लगाएंगे तो दूसरे फिक्रे का जो काम है, जो कि दूसरे फिक्रे में, एक फिक्रे में तो वो पहुंच रहे हैं, दूसरे फिक्रे में वो क्या कर रहे हैं, लिफ्टेड उठाया और फिर फर्स्ट एड मुहैया की। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, अब हमने क्या काम करना, दोनों काम ही सेम हैं, उठाना और फिर प्रोवाइड करना, और इसमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किस्म का वर्ब होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये प्रोवाइड फर्स्ट एड जो है वो अपने अंदर ही उठाना को भी ले रहा है, तो फिर हम इसकी प्रेसी क्या करेंगे, डबल वन डबल टू रीच एट द स्पॉट क्विकली एंड प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू द ओल्ड मैन। अब यहां पे अब पूरे का पूरा फिक्रा है, By the grace of Allah Almighty, no serious damage done. अब इसकी जो है वो ज़रूरत कोई नहीं, लेकिन अगर आपने इसको शामिल करना ही है तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं, डबल वन डबल टू रीच एट द स्पॉट क्विकली एंड प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू लकीली slightly injured old man, तो ये उसके अंदर ही आ जाएगा, first aid to luckily slightly injured old man, तो फिर luckily slightly injured old man का मतलब क्या है कि वो ये वाला फिक्रा भी अपने अंदर समो रहा है, और ये है adverb of manner के साथ। एक बड़ा अहम तरीकाकार है फिक्रे को बनाने का, जो कि हम वक्तन फोक्तन वेरी करते जाएंगे, तो वो एक तरीकाकार क्या है, फोर्थ फॉर्म के साथ फिक्रा स्टार्ट करना। अब वो कैसे, अब यही सब्जेक्ट जो है वो हम बनाते हैं जी डबल वन टू को, मसलन ये फिक्रा इस तरह भी हो सकता है, बाय रीचिंग एट द स्पॉट क्विकली, अब ये एक पूरे का पूरा बन गया है फ्रेज। अब हमारे पास एक रूल है, वो क्या है कि हम फिक्रों को फ्रेज बनाकर प्रेसी कर सकते हैं, रूल है जी हमारे पास नेक्स्ट आठवां, वो क्या है, फिक्रों को फ्रेज बनाकर तलखीस आसान होती है, बनाई जा सकती है।
अब ये पूरे के पूरे फिक्रे को हमने क्या किया, एक फ्रेज बना दिया, बाय रीचिंग एट द स्पॉट क्विकली 1122 गेव फर्स्ट एड टू द लकी ओल्ड मैन। अब इसमें क्या हुआ है कि ये सारे का सारा फ्रेज बन गया है, ये जो हमारे फिक्रे थे। कौन कौन सा फिक्रा? एक तो फिक्रा ये है कि 1122 रीच्ड एट द एक्सीडेंट स्पॉट सून, तो दूसरा ये वाला फिक्रा हमने हजफ कर लिया है, तमहीदी फिक्रा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज बन गई है, बाय रीचिंग एट द स्पॉट क्विकली 1122 गेव फर्स्ट एड टू द लकी ओल्ड मैन। ये बहुत अहम है, फिक्रों को फ्रेज बनाने की एग्जांपल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कोहेरेंस और कोहीजन को करने लगे जी, प्रेसी राइटिंग में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहले हम एक पैराग्राफ देखते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कोहेरेंस और कोहीजन क्या है। अभी कोहीजन को डील करने लगे हैं जी, पैराग्राफ पढ़ते हैं। आलिया लव्स टू कुक डिनर फॉर हर हस्बैंड। The dinner that she likes in cooking the most is biryani. Biryani is very popular dish in Pakistan. Punjab is one of the province of Pakistan. Punjabi are also known for their heavy accents. Accents can tell you where in Pakistan the people come from. There are 120 million 12 crore Punjabi in Pakistan. ये जी हमारा पैराग्राफ। अब कोहीजन, कोहीजन को हमने स्टडी किया था कि फिक्रों का आपस में लिंक कोहीजन कहलाता है। आप पहला फिक्रा देखते हैं जी, आलिया लव्स टू कुक डिनर फॉर हर हस्बैंड, ये एक फिक्रा हो गया। अगला फिक्रा, द डिनर दैट शी लाइक्स इन कुकिंग द मोस्ट इज बिरयानी, ये दूसरा फिक्रा हो गया। बिरयानी इज वेरी पॉपुलर डिश इन पाकिस्तान, ये तीसरा फिक्रा हो गया। अब ये जो तीन फिक्रे हैं, ये वाले, ये फिक्रे आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो सेंटेंस लेवल पे, फ्रेज लेवल पे कनेक्शन होगा वो कोहीजन कहलाएगा। अब टोटली जो है वो आगे थोड़ा सा फिक्रा चेंज हो गया है। पंजाब इज़ वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, अब यहाँ पे बात हो रही थी पंजाब बिरयानी की, और अब बात चल निकली है पंजाब की। पंजाबी आर ऑल्सो नोन फॉर देयर हैवी एक्सेंट्स। हैवी एक्सेंट्स का मतलब क्या है कि ये जो अल्फाज बोलते हैं बड़े भारी भरकम और बड़े स्ट्रेस के साथ बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसा कि पंजाबी वाले और उर्दू वाले जो है वो आपस में एक ही फिक्रा जब बोलेंगे, तो कराची वाले जब उर्दू बोलते हैं, चलो चलो मामा अपना काम करो, अरे बड़ा मामा ना बन तू, अब वो इस तरीके से वर्ड बोलेंगे आप पंजाबी वाले, ओए मामा ना बन। अब ये जो वर्ड बोलते हैं वो मामा, हाँ अरे मामा मत बन, ओ मामा ना बन, तो ये वर्ड्स को बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएटेड कर देते हैं, एक्सेंट जो है वो बहुत हैवी हो जाता है, और ये जाहिर करता है कि ये ज़्यादातर पंजाबी हैं जी। तो पंजाबी आर आल्सो नोन फॉर देयर हैवी एक्सेंट्स। एक्सेंट्स कैन टेल यू वेयर इन पाकिस्तान द पीपल कम फ्राम, और ये जो एक्सेंट है ये हमें बताता है कि पंजाब से बंदा कहाँ से है, पाकिस्तान से बंदा कहाँ से है। देयर आर 120 मिलियन पंजाबी इन पाकिस्तान, तकरीबन 12 करोड़। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं तो एक दो और तीन,
और चार, ये चार फिक्रें हैं। अच्छा जी, तो ये जो चार फिक्रें हैं इनका अपना एक थीम है, ये जो दो से तीन फिक्रें हैं इनका अपना एक थीम है। अब ये जो थीम है ये है पंजाबी, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट पंजाबी, पंजाब। ऊपर वाले तीन फिक्रों का रब्त बनता है अपने तीन फिक्रों के साथ, ये नीचे वाले जो चार फिक्रें हैं इनका रब्त बनता है अपने इन चार फिक्रों के साथ। अब फिक्रों का फिक्रों के साथ रिलेशनशिप कहलाता है कोहीजन। अब इस पैराग्राफ की यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक कोहीजन बनती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोहीजन जो है वो चेंज होके इन चार फिक्रों की अपनी एक कोहीजन बनी है। अब सवाल ये है कि हमारे पास ये एक फिक्रा है, ये फिक्रा नंबर तीन। अब ये जो फिक्रा नंबर तीन है इसकी फिक्रा नंबर चार से आपस में कोई कोहीजन नहीं मिल रही, फिर फिक्रा नंबर पाँच से तो बिल्कुल भी कोई कोहीजन नहीं मिल रही, इसी तरीके से आगे जो है इसकी कोहीजन नहीं मिल रही। तो फिर अब इसको हम जब डील करेंगे तो इसकी कोहीजन अलहदा और इसकी कोहीजन अलहदा है। तो फिर हमें कोहीजन को यहाँ पर क्या साबित हुआ, क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि कोहीजन हकीकत में फिक्रों का आपस में ताल्लुक होता है। अब प्रेसी जो है वो पहले तीन फिक्रों की अलहदा करने लगे हैं, अगले चार फिक्रों की अलहदा। जो पहले तीन फिक्रें हैं, आलिया लव्स टू कुक डिनर फॉर हर हस्बैंड, द डिनर दैट शी लाइक्स इन कुकिंग द मोस्ट इज बिरयानी, बिरयानी इज़ वेरी पॉपुलर डिश इन पाकिस्तान। अब इसकी हमने प्रेसी जो है वो यहाँ पे की है, आलिया प्रिपेयर्स पाकिस्तानीज। अब ये पाकिस्तानी जो है ये प्लूरल लिखा, उसके बाद अपोस्ट्रफी एस के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रफी लगा, जो कि जाहिर कर रहा है का पोजेशन को, पाकिस्तानीज पॉपुलर डिश फॉर हर हस्बैंड। तो आलिया अपने पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश बनाती है अपने हस्बैंड के लिए। अब अगले जो चार फिक्रें हैं, पंजाब इज़ द प्रोविंस ऑफ, इज़ वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पंजाबी आर आल्सो नाउन फॉर देयर हैवी एक्सेंट्स, एक्सेंट्स कैन टेल यू वेयर इन पाकिस्तान द पीपल कम फ्रॉम, देयर आर 120 million पंजाबी इन पाकिस्तान। अब इनकी जो है वो हमने अलहदा प्रेसी की है, मिलियंस ऑफ पंजाबीज आर नाउन इन पाकिस्तान विद देयर हैवी एक्सेंट इन पंजाब। अब ये टोटली एक डिफरेंट बात कर रहा है, ये टोटली एक डिफरेंट बात कर रहा है। अब प्रेसी हमने इसकी भी की है और प्रेसी हमने इसकी भी की है, अगर तो पैराग्राफ इसी तरह का आए जिसके अंदर दो बातें की जा रही हैं तो फिर तो प्रेसी डिफरेंट ही होगी, हमने भी फिर डिफरेंट ही करनी है। एक है हमने कोहीजन लेवल पे जाके करनी है, एक हमने कोहेरेंस लेवल पे। अभी हम हैं कोहीजन लेवल पे, तो कोहीजन लेवल पे ये है कि हमें इसकी कोहीजन सेम मिली, इसकी कोहीजन सेम मिली, तो हमने इन दोनों को हमने डिफरेंट अंदाज से यहाँ कर लिया है। लेकिन जो ओरिजिनली पेपर में पैराग्राफ आता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है सारे का सारा, वो लिंक्ड होता है सारे का सारा, उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता कि एक कॉन्सेप्ट कुछ और दे दें और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो आप कुछ और दे दें। कोहीजन के बाद हम कोहेरेंस जो है वो डिस्कस करने लगे हैं जी। कोहेरेंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर प्रॉपर नाउन विच आर द नेम्स ऑफ पीपल थिंग्स एंड प्लेसेस सच एज उस्मान एंड गुजरात, ये जो हैं प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। देर आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिंग दैट आर नॉट फिजिकल सच एज इमोशंस, देर आर कलेक्टिव नाउन विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ थिंग्स सच एज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब पहले हमने डिस्कस किया कोहीजन को, कोहीजन कहते हैं फिक्रों का आपस में रब्त होना। अब दूसरी चीज़ है कोहेरेंस, कोहेरेंस कहते हैं
कि कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट वो सेम हो सारे का सारा। अब जब हम इसकी तलहीस करते हैं, जब इसकी प्रेसी बनाते हैं, तो हकीकत में इसका हम एक टाइटल लेंगे। अब इसका टाइटल क्या बनता है? टाइप्स ऑफ नाउन। अब वो कैसे बना? क्योंकि ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही चल रहा है। अब जो हमने कोहियन की थी, तो कोहियन में एक कॉन्सेप्ट था बिरयानी के मुतलक और दूसरा कॉन्सेप्ट था पंजाब के मुतलक, पंजाबी के मुतलक। लेकिन यहाँ पे सेम एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब कोहियन और कोहरेंस का फ़र्क जो है वो बताने लगे हैं जी, कि जो कोहरेंस होती है वो सारे का सारा उसका टॉपिक जो है वो एक ही बनता है, और ये होती है कॉन्सेप्ट लेवल पे, थीम लेवल पे। ये थीम होता है हकीकत में, थीम होता है। लेकिन जो कोहियन होती है वो थीम नहीं होता, बल्कि फिक्रे का फिक्रे के साथ रिलेशन होता है। अब यहां पे यहां से शुरू कर लें और यहां तक चले जाएं तो हमें एक ही थीम मिलेगा। यहां से शुरू करके एंड तक भी चले जाएं तो हमें टाइप्स ऑफ नाउन्स ही मिलेंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाएगा, और इसकी जो प्रेसी होगी वो उसकी निस्बत, कोहियन की निस्बत बहुत एक्यूरेट होगी। और इसकी जो प्रेसी है वो हम फिर बाद में करेंगे। इसको जो है यहाँ पर बताना मकसद था कोहियन क्या है और कोहेरेंस क्या है।